नमस्कार, आप देख रहे हैं एम्बियन भारत, मैं हूं आपके साथ दीक्षा। करतारपुर साहिब कॉरिडोर को लेकर पाकिस्तान हमेशा से बहुत ही बेकरार और खूब दिलचस्पी दिखाता रहा है। अब जब कोरोना महामारी के चलते ये कॉरिडोर बंद हुआ तो पाकिस्तान ने भारत से सलाह किए बगैर ही कॉरिडोर खोलने की तारीखों का ऐलान कर दिया है। कौन सी है वो तारीख, क्या है मामला, देखिए इस खास रिपोर्ट। कोरोना संकट के बीच पाकिस्तान ने भारत से सलाह लिए बगैर ही आज सोमवार को करतारपुर साहिब कॉरिडोर को खोल दिया है, लेकिन वहां पर भारत की ओर से एक भी श्रद्धालु नहीं गया। कोरोना महामारी के प्रकोप को देखते हुए इस करतारपुर साहिब कॉरिडोर को करीब 3 महीने पहले बंद कर दिया गया था। करतारपुर साहिब कॉरिडोर को लेकर पाकिस्तान की हमेशा से खूब दिलचस्पी रही है। अब जब कोरोना महामारी के चलते ये कॉरिडोर बंद हुआ तो पाकिस्तान ने भारत से सलाह लिए बगैर ही कॉरिडोर खोलने की तारीख का ऐलान कर दिया। हालांकि पीटीआई के अनुसार शीर्ष अधिकारियों का कहना है कि करीब 3 महीने के अंतराल के बाद करतारपुर कॉरिडोर के फिर से खोले जाने के बाद भी कोरोना वायरस के डर से एक भी भारतीय श्रद्धालु ने करतारपुर कॉरिडोर में कदम नहीं रखे। पाकिस्तान ने सिख श्रद्धालुओं के लिए करतारपुर साहिब कॉरिडोर को लगभग 3 महीने बाद 29 जून से खोलने का ऐलान किया था। पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने पिछले हफ्ते के अंत में शनिवार को ट्वीट करके कहा था कि 29 जून को महाराजा रणजीत सिंह की पुण्यतिथि है, हम चाहते हैं कि इसी दिन कॉरिडोर खुल जाए, इसके लिए हम भारत से बात कर रहे हैं। भारत ने कोरोना वायरस के बढ़ते खतरे को देखते हुए 15 मार्च को करतारपुर साहिब कॉरिडोर को बंद करने का फैसला लिया था। पहले इसे 31 मार्च तक बंद किया गया था, लेकिन बाद में अनिश्चितकालीन तक के लिए बंद रखने का फैसला किया गया। हालांकि भारत सरकार ने पाकिस्तान के करतारपुर कॉरिडोर को मौजूदा हालात में फिर से खोलने के प्रस्ताव को खारिज कर दिया था। भारत सरकार ने कहा कि ये सद्भावना के नाम पर भ्रम फैलाने की कोशिशें हैं। भारत सरकार की ओर से कहा गया कि समझौते के मुताबिक दोनों सरकारों को दोबारा करतारपुर कॉरिडोर खोलने के लिए एक दूसरे को कम से कम एक हफ्ते का वक्त देना जरूरी है, लेकिन पाकिस्तान सिर्फ 2 दिन के अंदर ही कॉरिडोर को फिर से खोलने की बात कर रहा है। अब इस मामले में आखिरी फैसला गृह मंत्रालय लेगा। अब देखना ये होगा कि गृह मंत्रालय आखिर इस पर क्या फैसला लेता है। ब्यूरो रिपोर्ट, आईबीएन भारत। इस तरह की और अपडेट्स के लिए देखते रहिए आईबीएन भारत। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स करिए। नमस्कार।